एवरीबडी हाउ यू ऑल। आज अभी मैं जा रहा हूँ डॉक्टर के पास। इट्स टुनाइट 2:30 एंड नाउ आई एम हेडिंग टूवर्ड्स टू दी एर्नाकुलम। दो महीने में एक बार नहीं, दो महीने में एक बार जब भी डॉक्टर देते हैं टाइम, उसी के टाइम में जाता हूँ। अभी तो पूरा नाइट में 2:30 बजे हुए है, पूरे दो आँखों में तो नींद पूरा भरे हुए है। अभी लिटरली बाहर आ चुके हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम बिकॉज वी हैव टू रीच एर्नाकुलम वेरी फास्ट। मैं एर्नाकुलम इसलिए जाता हूँ क्योंकि एर्नाकुलम मुझे डॉक्टर दिखाना होता है उधर पे। महीने में एक बार नहीं तो दो महीने में एक बार डॉक्टर जब भी बोलते हैं, मैं उधर पे गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का डॉक्टर दिखाता हूँ उधर पे, इसलिए मैं हर वक्त जाता हूँ। और मेरे साथ मेरा मामा भी है और जा रहा हूँ, और मैं एक ड्राइवर भी हायर किया हूँ, और 1 किलोमीटर के बाद वो ड्राइवर को मैं लूँगा मेरे साथ क्योंकि मेरे को बहुत नींद आ रहा है, आँखों में पूरा ढल रहा है, मतलब इतना नींद आ। A few moments later, हम पहुँच गए डॉक्टर के पास और अभी बज रहे हैं पूरे 5। अभी हम इधर पे पहुँचने में लगा पूरा का मतलब 2 घंटे लगा है इधर पे पहुँचने के लिए। गाड़ी तो पूरा 80 नंबर में चल रहा था, कोई ट्रैफिक जाम नहीं था। इट्स अबाउट 115 किलोमीटर्स एंड मैं पहुँच गया हूँ इधर पे। अभी तक शुरू नहीं हुआ, मेरा नंबर 13 पे लगा हुआ है, तो देखते लगेगा तो 1 से 1.5 घंटा इधर पे टाइम लगेगा। बहुत नींद आ रहा है, गाड़ी में जाने का है, सोने का भी है। अभी बज रहे सुबह 7 और अभी भी नंबर 7 पे ही लगा हुआ है, 7 यानी कि 8 पे लगा हुआ है, मेरा नंबर तो 13 पे है। और पता नहीं और भी कितना देर लगेगा, 2 घंटे आया हुआ है इधर पे। और ये बंदा तो सो रहा है, फ़ोन भी कर रहा है, मैं अकेला कुछ एक्सरसाइज भी कर लिया इधर पे, बस वेट कर रहे कितना देर और भी लगे। 2 घंटा हो गया अभी तक भी नंबर नहीं लगा हुआ है, देखते हैं कितना देर और लगता है। पूरा पक्का 3 घंटे बाद हमारा जो डॉक्टर का कंसल्टेंट था वो ख़त्म हो चुका है। अभी बज रहा है 8:05 हुआ है, हाँ जाते 8:05 हुआ है। फिर भूख भी लगा है सुबह से कुछ नहीं, मतलब टुनाइट जब भी 3 बजा हुआ था तभी एक चाय पिया था बस, और कुछ नहीं खाया भी नहीं, कुछ पिया भी नहीं, थोड़ा पानी पिया था बीच में से। अभी कुछ खाऊंगा, हमने कुछ खाया भी नहीं। मेरा मामा वो देखो, वो तो पूरा हर टाइम फ़ोन में बिजी रहता है। और उसके 33 मिनट हम लोग अभी इधर पे खाने के लिए वेट कर रहे हैं। अभी हम तीनों आदमी पूरी के लिए ऑर्डर किया, तीनों पूरी खाएंगे, फिर खा के पी के सीधा घर पे जाएंगे। घर पे जाके फिर भी हम पे उधर पे थोड़ा काम है, काम पे भी जाना पड़ेगा। भूख लग गया था इसलिए एक होटल पे आके अपना भी खड़े हैं। तू क्यों हंस रहे, तेरे को क्या खाने का? तो उंगली क्यों खा रहे है? कुछ खाने का है क्या तेरे को? उंगली क्यों खा रहे है बोल? हाँ असुस्थ असुस्थ लग आई मीन ही इज सो टायर्ड। एक्चुअली वो लड़की के साथ बात ही करते रहते हैं ना, इसलिए शी निकल रहे है, ही नहीं निकल रहे है बिकॉज ही इज लाइक शी। ये आ गया हमारा खाना, ये वाला अच्छा है, ये वाला अच्छा है, ये अच्छा है ना? क्या बात, कुछ तो बोल यार, क्या बात। ओ, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है ये वाला। एक्चुअली वो अभी तक खाया भी नहीं फिर भी बोलते अच्छा लगता है, है ना? खाया भी नहीं फिर भी बोलते अच्छा लगता है, क्या है यार। चलो खाने के लिए शुरू कर।
अभी हम इधर से खाना खा लिया और निकल रहे हैं इधर से। मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है हाथ में अभी, क्योंकि मैं होटल में गया था और इसलिए थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है व्लॉगिंग करने के लिए। और खाना करके इधर से निकल रहा हूँ अभी, सीधा अभी घर पे जाने का है, घर पे थोड़ा काम है मेरा। अभी बज रहे 12 और मैं अभी घर पहुंच चुका हूँ। लेकिन मैं घर पहुंचने तक की मैं देखा कि मेरे छोटी बेटी का मुंह पे कुछ हुआ है, क्योंकि मेरा कुछ ही मतलब 2-3 महीनों से मेरे छोटी बेटी का पूरा स्किन का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो उसी के लिए डॉक्टर कंसल्टेंट दिखा रहे हैं हम। फिर भी आज क्या हुआ है, आज थोड़ा ज़्यादा हुआ है, इसलिए हम लोग आते वक्त ही ऐसे देखा तो मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, डॉक्टर बेटी को लेकर डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। A few moments later, अभी बज रहे शाम का 6:30 और मैं घर पे 12 बजे तक पहुँच चुका था। और मतलब बहुत सारा काम था, मैं तो पहले बोल चुका हूँ बहुत सारा काम था। एक्चुअली कल क्या है, कल मेरा छोटी बेटी का मूवी है, मतलब जब मेरा हम लोग बंगाली में बोलते हैं मुकेश संदेश, तो हम मुकेश संदेश के लिए थोड़ा अरेंजमेंट कर रहे थे। मेरे बेटी के लिए मैं थोड़ा गिफ्ट लिया हो और बड़ी बेटी के लिए भी गिफ्ट लिया हो, और इसलिए थोड़ा लेट हो गया शाम तक। मतलब इधर उधर जाना था, डॉक्टर के पास गया, मेरे बेटी का डॉक्टर के पास भी गया, इसलिए भी थोड़ा लेट हो गया है व्लॉग करने के लिए। तो देखते रहना ज़रूर मेरा व्लॉग को, और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो थम्स अप करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बिकॉज सब्सक्राइब तो बनता ही। और ये मेरी बड़ी बेटी का गिफ्ट है, बैंगल्स, और छोटी बेटी के लिए भी मैं बैंगल्स लिया हूँ, और ये है मेरे छोटी बेटी के लिए दूसरा बैंगल्स। 4 बैंगल्स खरीदे हैं मेरे दो बेटी के लिए। बक बक चैनल। मेरी बेटी ने कुछ नया कुछ सीख लिए है।